फरीदाबाद में रक्तदान शिविर अब आम बात है, लेकिन आज एक ऐसी जगह पर हम यहाँ पर मौजूद हैं जिसने रक्तदान को खास बना दिया है। और जब बात आती है देश के जवानों की तो हर चीज़ जो है वो खास आ जाती है और लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। और आज इसी जज्बे को पैदा करने का काम जज्बा फाउंडेशन ने किया है। आज सेना के जवानों के लिए रक्तांजलि का आयोजन किया है। हमारे साथ हिमांशु भट्ट है, सूत्रधार है इस पूरे कार्यक्रम के। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी और ये तमाम शहर के गणमान्य जन यहाँ पर मौजूद है जो सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए, उन रक्तवीरों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जब रक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कहीं ना कहीं जो एक बूंद रक्त है क्योंकि वो कई लोगों का जीवन बचाता है, तो ऐसे में उन सभी लोगों को प्रोत्साहित करने का काम फरीदाबाद के गणमान्य जनों ने यहाँ पर किया है। शुरुआत करते हैं हिमांशु से। हिमांशु, सोचा नहीं था लोगों ने कि अगर एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति भी रक्त की कमी से उसको नुकसान उसके जानमाल को हो सकता है, तो सेना पर जो जवान हैं वो भी कहीं ना कहीं इस परेशानी से जूझते होंगे। कैसे ख्याल आया और क्या लक्ष्य आपने रखा? जब मैं किसी बॉर्डर पे किसी सैनिक को शहीद होते हुए देखता था तो मैंने देखा कि हम उनके परिवार को एक दिन, दो दिन, तीन दिन और महीने तक एक सांत्वना दे पाते थे, पर उस महिला का जिसका पति उस बॉर्डर पे शहीद हुआ है, उन बच्चों का दर्द हम नहीं जान पाते थे। और उस दर्द को मैंने बहुत डेप्थ में जाके महसूस करने का काम किया और मुझे लगा कि हमारे शहीदों को यह श्रद्धांजलि होगी। और कहीं ना कहीं 23 मार्च जज्बा फाउंडेशन पिछले 3 वर्षों से ये रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर कर रही है और इस बार हमने सोचा कि जब हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और उस समय जिस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी हमारे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, आज हमारे देश को बचाने की, आज हमको एक सुरक्षित जीवन प्रदान करने की जो लड़ाई है वो हमारे देश पर खड़े हुए सैनिक, सरहदों पर खड़े हुए सैनिक अपने परिवारों की चिंता किए बगैर हो रहे हैं, तो आज हमारा भी ये कर्तव्य बनता है तो कि हम कैसे उनके परिवारों को, रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी व्यक्ति को पड़ती है और आज तक भी रक्त का कोई ऐसा निचोड़ नहीं निकल के आया है कि रक्त को किसी मशीनरी के द्वारा, किसी और मेथड के द्वारा बनाया जाए। ये सिर्फ मानव के शरीर में ही बनता है। और आज ये शहीदी दिवस का आयोजन, शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये भारतीय सैनिक को यहाँ पर जोड़ा गया है, सैनिकों को जोड़ा गया है, क्योंकि शहीदों को और सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि मैं ऐसा मानता हूं कि हम इस प्रकार से दे सकते हैं। बिल्कुल, रक्त का कोई विकल्प नहीं होता है, ये केवल मानव शरीर में बनता है, सब लोग ये जानते हैं, लेकिन इसको पहचानने वाले लोग अभी भी उनके जागरूकता की उन्हें ज़रूरत है। क्या नाम है मैम आपका? पूनम सिंसिनवा। पूनम जी, आज इस पावन पर्व में कहूँगी कि आपको मौका मिला कि देश के लिए, हम अक्सर कहते हैं कि कुछ हर किसी के मन में होता है कि हम सेना में जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन कुछ मौका मिले तो हम करें, आज प्रोत्साहित करने आए हैं रक्तवीरों को। हाँ, कैसा आपको लग रहा है और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे समाज सेवी के तौर पर? आज बहुत अच्छा लग रहा है, जज्बा फाउंडेशन ने जो रक्तांजलि का जो आयोजन किया है भारतीय सेना के साथ मिलके, और मैं भी एक फौजी की बेटी हूँ, फौजी की बहन हूँ और बहू हूँ, और मैं ये आज इस मौके पर बहुत अपने आप में गौरव महसूस कर रही हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और शहीदों के लिए कुछ करने का मौका मिला। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा प्रियंका मलिक है। प्रियंका जी, अक्सर हम देखते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स जो है लगभग लगातार होते रहते हैं, लेकिन आज एक नई शुरुआत हुई है उन लोगों के लिए, आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जिनकी वजह से हम आज सांस ले पा रहे हैं एक बिना भय वाले माहौल में। हाँ जी बिल्कुल, जज्बा फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह रक्तदान शिविर में ये जो इनिशिएटिव लिया है जज्बा फाउंडेशन ने, सबसे पहले तो ये बहुत सराहनीय इनिशिएटिव है जज्बा फाउंडेशन द्वारा, और सेकेंडली जो हमारे भारतीय सेना के जवानों के जो शहीद हो जाते हैं उनके लिए यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, तो इससे बड़े गौरव की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और इस साथ के साथ नेहरू युवा केंद्र फरीदाबाद को भी इसके साथ जोड़ा है जज्बा फाउंडेशन ने, तो उसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी, क्या नाम है मैम? रितु सिंह।
रितु जी, हम अक्सर कहते हैं कि गिव एंड टेक चलता है, रेसिप्रोकल चलता है, लेकिन जब हम सेना के जवानों की बात करते हैं तो हम ये तो चाहते हैं कि वो सीमा पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा करें, लेकिन उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और आज एक ऐसा ही जज्बा जो है जज्बा फाउंडेशन ने पैदा किया लोगों के मन में कि वो भी कहीं ना कहीं उसमें देशभक्ति की बात करें या सेना के जवानों को प्रोत्साहित करने की बात करें, उसमें एक कड़ी का काम किया है। कैसी शुरुआत ये मानते हैं? ये बहुत अच्छी शुरुआत है और जज्बा फाउंडेशन के युवाओं के जज्बा की सच में तारीफ़ की जाए। और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि युवाएं जितना युवा मोटिवेट होकर के, युवा क्या, मुझे तो लगता है कि महिलाएं भी अगर आती हैं आकर के ब्लड देती हैं तो ये इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। और जज्बा फाउंडेशन का जज्बा का तो खैर कहना ही क्या है। युवा समाज से भी जसवंत पवार हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब युवा देश के बारे में, देश के जवानों के बारे में सोचते हैं। नए भारत की हम बात करते हैं तो लगता है कि अब नए भारत का जो नया युवा है वो देश के प्रति उतना ही समर्पित है, क्योंकि देख रहे हैं कि लगातार जब इस तरह के मामले आते हैं या जैसे ट्री प्लांटेशन आप बहुत ज़्यादा करते हैं कि अब देश के बारे में युवा सोच रहा है और आज एक नया इतिहास लिखने का काम किया जा रहा है कि वीर जवानों के लिए भी हम लोग कुछ आगे बढ़कर कर सकें। देखिए मैम, पूरा जो तो पूरा विश्व है आज ना भारत की तरफ देख रहा है, वो इसलिए क्योंकि युवाओं का देश है आज भारत, सबसे ज़्यादा युवा भारत के अंदर है। और देखिए जो आज ब्लड डोनेशन कैंप है, जब हम अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं तो वो कहते थे कि बेटा जो सबसे बड़ा दान है वो रक्तदान है, तो रक्तदान को महादान कहा गया है। और मैंने तो खूब देखा है कि आपका एक छोटा सा प्रयास, एक बूंद आपकी जो रक्त आप देते हो, वो किसी के अंधेरे जीवन में उजाला ला सकता है, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। और खासकर ये देखिए जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये तो शहीदों को समर्पित है, वो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ना जाने कितने वीर जवान शहीद जो शहीद हो जाते हैं इस देश की रक्षा के लिए, उनके इंडियन आर्मी के लिए रक्तदान जा रहा है, जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन तैनात है। और पूरे फरीदाबाद ने ये बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और जज्बा फाउंडेशन को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने बड़े स्केल पर ये रक्तदान शिविर उन्होंने आयोजित किया और इसमें पूरे फरीदाबाद के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आप देखोगे लगातार यहाँ पर सुबह 8:30 बजे से ही रक्तदान शुरू हो चुका था और लगातार बड़े पैमाने पर रक्तदान हो रहा है। और चलिए इसी सेना के जवानों से भी जान लेते हैं कि जब देश के लोग उनके बारे में सोचते हैं तो क्या भावनाएं उमड़ती हैं। अच्छा, तो देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे, मैं कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहूँगी। भैया क्या नाम है आपका? नहीं, मेरे को नहीं बोलना। क्या आपका क्या नाम है? आदित्य झा। किस तरह का आयोजन आप मानते हैं यहाँ पर आज जो देश के जवान हैं उनके लिए कुछ करने का मौका यहाँ युवाओं को मिला है? ये कहीं ना कहीं हर युवा के जहन में ये होता है कि वो अपनी देश के लिए, देश सेवा के लिए आर्मी में भर्ती हो, मगर अफसोस यह है कि हर युवा उस काबिल नहीं हो पाता। किसी कोई मेंटली फिट, मेडिकली फिट नहीं होते, फिजिकली फिट नहीं होते हैं, पर ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा अपनी सेना के लिए रक्त का दान करके हम कहीं ना कहीं अपने सेना की के विकास के लिए भागीदारी करते हैं। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर रक्तवीरों का हौसला बढ़ाने के लिए राजेश चेची जी यहाँ पर मौजूद हैं और CM फ्लाइंग लगातार सक्रिय है। फरीदाबाद में रक्तदान शिविर आयोजित होते रहते हैं, लेकिन आज एक नई कड़ी की शुरुआत यहाँ पर की गई है। आज रक्तवीरों का हौसला बढ़ाने के लिए फरीदाबाद के जो तमाम लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। राजेश जी, आज देश के जवानों के लिए रक्तदान करने का मौका लोगों को मिल रहा है। अक्सर हम ब्लड डोनेशंस की बात करते हैं, लेकिन ऐसा ब्लड डोनेशन, रक्तांजलि जिसको नाम दिया गया है, पहली बार फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। बिल्कुल, ये बधाई के पात्र हैं जज्बा फाउंडेशन की पूरी टीम और फरीदाबाद के लोग जो इतनी मतलब भारी मात्रा में जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मैं भी बहुत सारे कैंप्स में जाता हूं, पर आर्मी के लिए या भारतीय सेना के लिए डोनेशन मैंने पहली बार ही देखी है, मैंने भी अपनी लाइफ में, तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, बढ़िया। सर क्या कहना चाहेंगे कि शुरुआत एक कर चुके हैं लेकिन ये यात्रा ना रुके और कोई भी जो सेना का जवान है रक्त की कमी से शहीद ना हो, उसके लिए क्या शहर के लोगों से अपील करना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फरीदाबाद तो हमेशा से अग्रणी रहा है ऐसे कामों में, सोशल काजेज में हमेशा से लगे रहते हैं, या इतनी संस्थाएं हैं, इतने जागरूक लोग हैं। परंतु साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आर्मी का अपना नेटवर्क बड़ा अच्छा है,
क्यों वहाँ आपने कभी नहीं सुना होगा कि ब्लड की कमी के कारण कोई जवान को कोई नुकसान हुआ हो, ऐसा नहीं होता है। परंतु हम भी उसमें भागीदार बने, ठीक है, देशभक्ति की भावना तो सबकी रगों में खून में है, परंतु वो शो भी होती है इस तरह से, है ना। बिल्कुल, देखिए रक्तांजलि में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी की टीम भी यही अपील करती है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, ताकि रक्त की कमी से कोई अपनी जान ना गवा बैठे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।